कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। दोस्तों आज मैं आपको गिलहरी के बारे में एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसे सुनकर आप जरूर इंस्पायर होंगे। हर अच्छे काम में हमें सहायता करनी चाहिए, चाहे आपका योगदान बड़ा हो या छोटा, वो मायने नहीं रखता। रावण द्वारा सीता हरण के बाद भगवान राम युद्ध करने के लिए और लंका तक पहुंचने के लिए सागर पुल बंधवा रहे थे। भालू बंदर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे, तभी भगवान राम की दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी बालू में लौटती जिससे उसके शरीर पर बालू के कुछ कण चिपक जाते थे, फिर वह उन चिपके हुए कणों को पुल पर जमे हुए पत्थरों पर गिरा देती थी। ये देखकर भगवान राम आश्चर्यचकित हुए और बड़े प्यार से गिलहरी के पास जाकर उसे हाथ में उठाया और उससे पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? प्रभु राम का स्नेह पाकर गिलहरी बोली, इस पुनीत कार्य में बंदर भालू तो बड़े बड़े पत्थर उठाकर पुल का निर्माण कर रहे हैं, मैं छोटी सी गिलहरी भला इतने बड़े पत्थर को कैसे उठा सकती हूँ, इसलिए बालू के छोटे छोटे कण उठाकर इस कार्य में अपना योगदान दे रही हूँ। आप एक अच्छे काम के लिए निकले हैं और अच्छे कार्य में तो सहयोग करना ही चाहिए। गिलहरी की बात सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि गिलहरी के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान राम ने स्नेहता से उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा था और आज भी गिलहरी के शरीर पर जो धारियां दिखाई देती है वे भगवान राम की उंगलियों के निशान ही हैं। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा योगदान कितना बड़ा है। किसी भी अच्छे काम के लिए जितना और जैसा भी हम कर सके हमें अवश्य करना चाहिए।